मैच में आज अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में भारी तादाद में लोगों ने शमूलियत की। डिग्री कॉलेज पुंछ के स्टूडेंट्स ने आज वसीम रिजवी के खिलाफ किया प्रोटेस्ट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से की अपील की ऐसे समाज के दुश्मन और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त की जाए कार्रवाई। शिव मंदिर बगनाड में आयोज किया गया हवन और यज्ञ, भारी तादाद में लोगों ने की शमूलियत। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। खसूसन जो माजूर लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जामिया वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वसीम रिजवी की कड़े शब्दों में की गई निंदा और सरकार से की अपील की इस वसीम रिजवी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। जानते ही हैं पिछले दो चार दिन में वसीम रिजवी नाम शख्स है जिसने कुरान करीम के कलक से कहा कि कुरान करीम जो है सभी आगे अड़ाई हाई स्कूल मलका में 16 आरआर की ओर से बच्चों की सुविधा के लिए दी गई लाइब्रेरी। 6 सेक्टर कमांडिंग ऑफिसर थे मुख्य अतिथि। कमांडर 6 सेक्टर साहब से और उनके कमांडिंग ऑफिसर 16 आर आर से कि हमारे यहाँ पर अड़ाई हाई स्कूल मलका में 6 सेक्टर कमांडिंग ऑफिसर ने पुंछ आज के नुमाइंदे को आज के प्रोग्राम की भी जानकारी। हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे आवाम का फ्यूचर है, तो हम चाहते हैं कि ये अव्वल दर्जे की तालीम पाएं। इसी के लिए एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी खोली है।
शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 16 मार्च से 20 मार्च तक किया जाएगा किसान मेले का आयोजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे इस मेले की इनॉग्रेशन। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर ने दी जानकारी। आरएसपुरा में कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में किसानों ने महकमा इरिगेशन के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। कहा जल्द से जल्द नहर में छोड़ा जाए पानी। आज ये नहर महकमे के खिलाफ है। आप इसे बड़ी भांति देख रहे हो, नहर गंदगी से भरी हुई है। सांबा की अन ब्लॉक की मंगलूर पंचायत की डीडीसी की सदस्य ने आज पंचायत में सड़क निर्माण का किया कार्य शुरू। लोगों ने किया शुक्रिया अदा। सर ये काफ़ी डिमांड थी हमारे लोगों की। सर ये मंगलूर ब्रिज से लेकर यह गढ़ तक इसमें 5-7 गांव आते हैं, जो सराह आ गया, मलिनी आ गया, ब्लोट आ गया, यह 3-4। इसी हवाले से आम ब्लॉक की डीडीसी मेंबर ने मीडिया को दी जानकारी। लोगों की बहुत सारी परेशानियां थी रोड्स के लेके, ये काफ़ी टाइम से लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी देर से इनकी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा था, इसीलिए डीडीसी बनने के बाद ये मेरा पहला काम है। डिग्री कॉलेज सोपर के स्टूडेंट्स ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। जी हमारा फिफ्थ सेम का एग्जाम था, फिफ्थ सेम का हमारा एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद शोपियां में आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से लगाया गया किसान मेला। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां थे मुख्य अतिथि। तरफ से एक किसान मेला का मुनक़द हुआ, मैंने जरूर किया है। यहाँ बहुत सारे गांव से लोग आए थे और स्कीम के बारे में जानकारी दी गई।